त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम भी सतर्क हो चुकी है। आपको बता दें अंबाला के अलग अलग इलाकों में फूड सेफ्टी विभाग छापेमारी कर रही है। वहीं अंबाला के दो इलाकों में फूड सेफ्टी विभाग, सीएम फ्लाइंग और सीआईडी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए डेयरी और सचेदा ट्रेडर्स पर छापेमारी करके सैंपल इकट्ठा किए हैं। डेयरी संचालक पिछले लगभग दो सालों से डेयरी चला रहा है और माल को अंबाला से बाहर भी कई इलाकों में सप्लाई किया जाता था और इस दौरान डेयरी संचालक ने कबूला कि वो एक पैकेट रिफाइंड से 5 किलो मावा बनाते हैं। खोया कैसे तैयार करता है बताओ? दूध में बनाना पड़ता है जी। कोई इसको पहले दूध में मिलाते हो? नहीं नहीं, जो पाउडर लगाते हैं ना। हाँ हाँ, पाउडर में ही। हाँ, उसका पाउडर कौन सा होता है? स्कीम्ड पाउडर में। स्कीम्ड पाउडर सेहत के लिए हानिकारक है? नहीं जी, फायदेमंद है। रिफाइंड से मावा बनता है। कहाँ से सीख के आए आप लोग? अभी कहाँ से सीख के आए? नहीं जी, नहीं जी, अपने आप तो नहीं आता कुछ भी यार। कहीं ना कहीं से आपने सीखा होगा ना ये काम? नहीं, कैसे बनाना कैसे सीखा हुआ मारे को तो नहीं पता। तो लगे ना इसमें, यहाँ किसी को नहीं पता भी कैसे बनाते हैं। अरे बताओ कितना कितना करते हो? अरे खुल के बोल रहा हूँ थोड़ा। अरे आप बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। एक पैकेट से कितने किलो पनीर बनाते हो ये पूछ रहे हैं? एक ही पड़ता है, एकड़ में। एकड़ में एक और एकड़ कितना खोया तैयार हो जाता है? 5 किलो। 5 किलो का 15 किलो दूध, 1 किलो पाउडर, 1 किलो ये डलता है। मावा बनाया जा रहा था जिसमें कि रिफाइंड मिला के मावा बनाया तैयार किया जा रहा है। इन्होंने लिखित उसका सैंपल ले लिया है और उसको जो तैयार मावा है 20 किलो के आसपास है उसको डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा ऑन स्पॉट। बाकी सैंपल ले लिया है, 6 आइटम के सैंपल लिए गए हैं, उनकी जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी एक्ट पर, एज पर एक्ट कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं यहाँ पे? पनीर और खोवा, दही, बटर, सूखा पाउडर, इन चीज़ के सैंपल लिए गए हैं। पनीर और खोवा ये चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे। सर ये इसके संचालक ने आपके सामने कबूला है कि रिफाइंड से वो जो है मावा बनाते थे, 1 किलो 1 लीटर रिफाइंड से कितना मावा बनाते थे? वो संचालक बताएगा। तो शिकायत थी इसको लेकर, कोई शिकायत पर आए थे? हाँ, इसकी उसके शिकायत के बेस पे यहाँ पे आए थे हम। 3 डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईडी और फूड सेफ्टी ऑफिस से। मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर राजीव, सैंपल ले लिए, आगे कार्रवाई एज पर एक्ट की जाएगी। अंबाला में भी पहले तो कार्रवाई यहीं से स्टार्ट हुई है, अभी आगे और कार्रवाई करेंगे। काफ़ी शिकायतें आ रही हैं शहर में इसी को लेकर, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? आगे भी दिवाली तक ये कार्रवाई, त्योहारी सीजन को देखते हैं कंटिन्यू से कार्रवाई अपनी तरफ से डिपार्टमेंट विभाग करता रहेगा। फूड सेफ्टी ऑफिस इस चीज़ के लिए सतर्क है, कहीं भी कोई मिलावट या कुछ भी हो तुरंत ऑफिस में शिकायत करे, उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस गोदाम का नाम सचदेवा ट्रेडर्स के नाम से है, मोती नगर में स्थित है और यहाँ पे चना, बेसन, प्रिपेयर्ड चिप्स, आलू चिप्स और मूंगफली, इसके सैंपल लिए जा रहे हैं। बाकी कार्रवाई अभी कंटिन्यू। शिकायत थी कि यहाँ पर मावा जो नकली बनाया जा रहा है, गलत तरीके से बनाया जा रहा है, उसके तहत औचक निरीक्षण किया, चेकिंग करी है। यहाँ पर हमने सैंपल ले लिए, डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर साहब हैं और सैंपल को हम भेजेंगे, उसके बाद जो भी परीक्षण रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर डॉक्टर साहब उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर क्या कुछ सामान?